नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आई है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली और छठ पूजा के पहले जो है वेतन भुगतान को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि उन तमाम 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है और दीपावली और छठ पूजा के पहले उनके लिए जो है बड़ा गिफ्ट नीतीश सरकार की ओर से दिया जाएगा। आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने इन कर्मचारियों और पेंशनधारियों को त्यौहार से पहले तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश अनुसार बिहार सरकार ने आगामी दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए विशेष आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अक्टूबर 2024 का वेतन 25 अक्टूबर 2024 को अग्रिम रूप से भुगतान किया जाएगा। उसके साथ ही जिन सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्त अथवा सेवांत इसी माह में हो रहा है, ऐसे में उनके लिए भी अक्टूबर माह के अंतिम कार्य दिवस तक जो है वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 141 के तहत लिया गया है। सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें ताकि कर्मचारियों को समय पर उनके वेतन का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह कदम राज्य के कर्मचारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और पर्वों के प्रति सम्मान और परिचायक है ताकि सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ खुशहाली से त्यौहार मना सके। बता दें कि 31 अक्टूबर को दीपावली है, वही 5 नवंबर को नहाए खाए की छठ पूजा जो है वो शुरू हो जाएगा। खरना 6 तारीख को, तो वही शाम का अर्ध 7 नवंबर और शुभ कार्य जो है 8 तारीख को है। ऐसे में दीपावली छठ से पहले सरकारी कर्मियों के लिए गुड न्यूज है। बताया जा रहा है कि एडवांस सैलरी से करीब 10 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। तो ऐसे में बता दें कि बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को त्यौहार से पहले तोहफा दिया है। संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें। तो ऐसे में आपको बताते चलिए कि बिहार के तमाम 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए दिवाली के लिए तोहफा जो है नीतीश सरकार दे रही है, और ऐसे में एडवांस में जिस तरह से उन्हें वेतन मिलेगा इसको लेकर तमाम अधिकारी हैं उनको लेकर जो है साफ तौर पे दिशा निर्देश दिया गया है कि 10 लाख जो है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दीपावली और छठ पूजा से पहले जो है इन्हें पेंशन या इन्हें वेतन जो है वो भुगतान कर दिया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।